कल भी आज भी देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। धौलकुआ के पास से स्पेशल सेल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ हुई जिसके बाद आईएसएस के आतंकी को पकड़ा गया। स्पेशल सेल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि कल देर रात से यह ऑपरेशन चल रहा है और खबरें जो मिल पा रही है उसके मुताबिक इस आतंकी की साजिश बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। ये लोन वोल्फ अटैक प्लान कर रहा था और इसने कई जगहों पर रेकी भी कर रखी थी। हालांकि पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है। स्पेशल सेल की टीमें लगातार छानबीन कर रही है क्योंकि अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है और वो कौन सा बड़ा नेटवर्क है उसी का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही। सीधा चलेंगे सुशांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में और कुछ अभी अपडेट मिल पाया है? देखिए नवजोत, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस वक्त अगर कहा जाए तो इस वक्त जो आतंकी अब्दुल यूसुफ के पास से दो आईईडी बरामद किए गए थे उनको लगातार निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि जो आईईडी बरामद हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ जो है वो किया जाए, क्योंकि कल देर रात को स्पेशल सेल की जो टीम थी उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी एक बड़ी साजिश को दिल्ली के अंदर अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद यहां पर अगर कहा जाए तो लगातार आर्मी पब्लिक स्कूल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और आतंकी के बीच में लगातार एनकाउंटर हुए और उसके बाद अगर कहा जाए तो आतंकी को सुशांत ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर आर्मी पब्लिक स्कूल है। ये रिज का वो इलाका है धौलकुआ के ठीक बगल वाला जहां पर आर्मी पब्लिक स्कूल है। टारगेट पर क्या कुछ था, क्या ये पता चल पाया है? देखिए अभी तक इससे लगातार पूछताछ जो है नवजोत की जा रही है कि इसके टारगेट पे कौन लोग थे, क्या इसका मकसद था, किस लिए ये दिल्ली आया था और कौन इसके लोग टारगेट पे थे। फिलहाल अगर कहा जाए तो उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँगा कि जब इसको आर्मी पब्लिक स्कूल से गिरफ्तार किया गया स्पेशल सेल की टीम के पास से, इसके पास से दो आईईडी जो बरामद किए गए थे उसको फिलहाल यहाँ पर जो है वो डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा कि वो आगे की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाए कि किस तरीके से एनएसजी की टीम जो है वो और इसके साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ स्पेशल सेल जो टीम है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल सेल टीम से भी लगातार सहायता जो है वो ले सकती है, क्योंकि इसमें कई जो लोग हैं उसमें इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी साजिश जो है वो दिल्ली के अंदर अंजाम, क्योंकि ये रिज रोड है, यहाँ से अगर कहा जाए संसद मार्ग जो है वो पार्लियामेंट जो है अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसके अलावा अगर कहा जाए तो एयरपोर्ट भी यहाँ पर नज़दीक है। ऐसे में ये किस तरीके की साजिश को यहाँ पर अंजाम देने के लिए आया था और ये अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर पुलिस जो है वो पूछताछ में जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है और फिलहाल लगातार जो कोशिश जो है वो स्पेशल सेल की टीम से यहाँ पर फिलहाल की जा रही है ताकि लोग जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में किस बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुँचा था इसकी फिलहाल। और इसके साथ साथ मैं एक जानकारी आपको दे दूँ, कौन इसको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा था उसको लेकर के भी स्पेशल सेल की टीम जो है वो दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो है वो छापेमारी जो है वो फिलहाल कर रही है। एक बड़ी बात क्योंकि इस शख्स ने रेकी भी की थी, अब्दुल यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है और अब्दुल यूसुफ ने बहुत जगह पर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी रेकी भी की थी, उनके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए अभी फिलहाल किन किन इलाकों के अंदर रेकी की थी, क्योंकि जहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है एक बड़ी कामयाबी अगर कहा जाए आर्मी पब्लिक स्कूल वहाँ पर मौजूद है और वहाँ से तकरीबन अगर कहा जाए तो महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही अगर कहा जाए एयरपोर्ट है, उसके अलावा पार्लियामेंट जो कि संसद भवन कहा जाए वो भी यहाँ पर पास है, इंडिया गेट यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रपति भवन मौजूद है। यहाँ पे अगर कहा जाए तो जिस एरिया के अंदर इसको अगर गिरफ्तार किया गया वहाँ से ये तकरीबन जितने भी वीवीआईपी अगर कहा जाए एरियाज हैं उनमें दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में किन इलाकों की ये रेकी कर रहा था उससे अभी फिलहाल पूछताछ जो है वो की जा रही है और दिल्ली में अगर कहा जाए ये किन किन लोगों के संपर्क में था और कौन इसके साथ सहयोगी जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे उसकी भी पूछताछ जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है कि और भी अगर कहा जाए तो गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले के अंदर हो सकती हैं। फिलहाल एक और बड़ी बात, क्योंकि रेकी कर रहा था लगातार, क्या ये कोई पर्टिकुलर दिल्ली के इलाके की रेकी कर रहा था या फिर किसी शख्स की रेकी कर रहा था,
टारगेट पर कौन कौन थे, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात ये कि नेटवर्क कितना बड़ा था, किसने हेल्प की यहां तक पहुंचने में, आगे की तफ्तीश कैसे हो रही थी, आगे कहां कहां पर ये शख्स गया, किस किस तरीके से कौन कौन इसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था, और बड़ी बात ये कि इतना विस्फोटक लेके ये साथ चल रहा था या फिर अचानक से वहां पर किसी ने प्रोवाइड कराया। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़े सवाल हैं और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ये दिल्ली में जब पहुंचा इसकी कौन लोग मदद कर रहे थे, किन किन लोगों से ये संपर्क में था, कहां कहां किस किस इलाकों के अंदर इस व्यक्ति की और क्या इसका टारगेट था, इसको लेकर के लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्योंकि अगर कहा जाए तो पिछले दिनों जिस तरीके से ये आतंकवादी कब दिल्ली के अंदर पहुंचा था, क्योंकि अगर कहा जाए तो 15 अगस्त से पहले भी लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनकी तरफ से दिल्ली के अंदर भी अगर कहा जाए आतंकी घटना को लेकर के अंजाम देने की बात जो है वो की गई थी, उसको लेकर के अलर्ट जारी था। ऐसे में क्या ये 15 अगस्त से पहले पहुंचा था, इसके टारगेट पे कौन था कौन नहीं था, इसकी फिलहाल पूछताछ जो है वो लगातार पुलिस की टीम जो है वो लगातार उनसे कर रही है। और इन सवालों का जवाब जो है वो अभी अगर कहा जाए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन जब सामने नजर आएगी उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार ये किसी अगर बड़ी शख्सियत को टारगेट के लिए दिल्ली पहुंचा था उसको लगातार यहां पर फिलहाल जानकारी जो है वो दी जाएगी और ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सामने आएगी। बिल्कुल, साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इस पर अभी फिलहाल तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन बड़ी बात अभी आगे की कार्रवाई कैसे चल रही है। देखिए फिलहाल अभी अगर कहा जाए तो लगातार जो बॉम्ब स्क्वाड्स और एनएसजी की टीम है वो फिलहाल यहाँ पर जो दो आईईडी जो बरामद हुए थे उसके साथ जो असला बरामद हुआ था उसको यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करने की, पूरी तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार अगर कहा जाए तो यहाँ पर फिलहाल इसको निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है और कहाँ से क्या कुछ था ये पूरी तरीके से अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस और जो तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर फिलहाल अभी ये कहना कि जल्दबाजी हो गई कि क्या कुछ इसमें रहा होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश और जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल से तकरीबन अगर कहा जाए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का ये फासला है जहाँ पर इस आतंकवादी को यहाँ पर लाया गया, उसके पास से जो दो आईईडी थी उसको बरामद किए गए थे, उसको फिलहाल यहाँ पर निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। एक और जानकारी दीजिए जरा, अगर ये पता चल पाए, क्योंकि कहाँ से पता चला पुलिस को इसके बारे में जानकारियां, खुफिया जानकारियां क्या पहले से थी, क्योंकि अलर्ट पर वैसे ही दिल्ली हमेशा रहती है। देखिए जाहिर सी बात है पुलिस को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग को पहले से ही इसकी जानकारी थी कि आखिर दिल्ली के अंदर कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। पुलिस की तरफ से प्रॉपर एक ट्रैप लगाया गया कि ये जो शख्स है वो कहां पर मौजूद है, कैसे पहुंचा, कहां गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने पूरे देर रात के वक्त ये ऑपरेशन जो है वो चलाया और देर रात तक अगर कहा जाए तो ये ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद आतंकी की तरफ से, अगर अब्दुल यूसुफ की तरफ से पुलिस के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी यहां पर फायरिंग जो है वो की गई। उसके बाद जो अब्दुल यूसुफ है उसको फिलहाल के बाद लगातार यहां पर उससे पूछताछ जो है वो की गई। उसके बाद जो उसके पास से दो आईडी जिसको लेकर के अगर कहा जाए वो दिल्ली के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पहुंचा था, उसके पास जिंदा दो आईडी बरामद थे, उसको लेकर के पुलिस यहां लेकर के आए, उसको डिस्पोज ऑफ किया और उसको फिर यहां से अगर कहा जाए तो स्पेशल सेल टीम जो है वो अपने दफ्तर ले गई जहां पर उससे लगातार फिलहाल पूछताछ जो है वो फिलहाल अभी की जा रही है। आईसिस का लगातार किस तरीके से जो आतंकी वो सक्रिय हो रहा है और इस वक्त अब दिल्ली टारगेट पर है, क्या दिल्ली का कोई इलाका टारगेट पर था या कोई शख्स टारगेट पर था, कौन निशाने पर था, क्योंकि जिस इलाके से पर्टिकुलर अगर देखा जाए कि गिरफ्तारी हुई है तो उसमें आसपास कैंटोनमेंट एरिया पड़ता है बड़ी बात, और ज्यादा दूर नहीं है सारा वीवीआईपी इलाका, और इसके अलावा स्कूल भी है वहां बगल में। लेकिन जो मैं आपको ये जानकारी और दे दूं कि जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद से पूरी दिल्ली और एनसीआर को इस वक्त जो है वो अलर्ट पे डाल दिया गया है, क्योंकि खतरा अगर कहा जाए वो अभी तक टला नहीं है। खतरा जिस तरीके से को लेकर के पूरी दिल्ली और एनसीआर के अंदर अलर्ट जो है वो जारी किया गया, स्पेशली अगर कहा जाए तो दिल्ली के वो वीवीआईपी इलाके
जहाँ पर अगर कहा जाए आतंकवादी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, आर्मी पब्लिक स्कूल है, एयरपोर्ट है, इसके नज़दीकी अगर पार्लियामेंट है, संसद भवन है, राष्ट्रपति है, और अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति भवन है, इन तमाम एरियाज को जो है वो अभी अगर कहा जाए तो पुलिस की तरफ से अलर्ट पर डाला गया है, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना हो तो, क्योंकि आतंकी किन किन लोगों के संपर्क में था ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगर कहा जाए तो ये भी फिलहाल पुलिस के पास अभी जो है वो सामने आएगी। लेकिन ये किस घटना को अंजाम देने के लिए आया था उसको लेकर के पुलिस ने पूरी दिल्ली और एनसीआर के अंदर अभी फिलहाल जो है वो अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है, ताकि अगर खतरा अगर कहा जाए तो फिलहाल अभी टला नहीं है, क्योंकि खतरे को लेकर के जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है अभी देखना होगा कि आखिर किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को आगे की तरफ लेकर के जाती है।